हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 क्लास 9th मैथमेटिक्स कक्षा 9 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 4.4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इजी सी प्रश्नावली है, छोटी से दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चर वाले और फिर दो चर वाले समीकरण वाई बराबर 3 का ज्यामितीय रूप लिखिए, मतलब ग्राफ में इसके आंसर्स को दिखाना है। ठीक है, ज्यामिति का मतलब ग्राफ में इसके आंसर्स को दिखाना है। तो हमें देखो समीकरण क्या दे रखे हैं, प्रश्नावली हमारी कितनी है, प्रश्नावली 4.4 कक्षा 9 गणित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो समीकरण क्या दे रखे हैं, दिया है y बराबर 3। ठीक है, y बराबर 3 हमें दे रखा है। तो ध्यान से रखना है, एक बार जो आंसर देना है एक चर में देना है और दूसरा जो आंसर देना है आपको दो चर में देना है। ठीक है, सो पहले वाले में आ जाते हैं। पहले वाले में क्या है, एक चर वाला, एक चर में ज्यामितीय रूपण। ठीक है, एक चर में ज्यामितीय रूपण में लिखना है, तो मतलब ज्योमेट्री में प्रेजेंट करना है। ठीक है, एक चर, तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, इधर मेरा -1 -2, तो 3 पे प्रेजेंट करना था, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, मैंने डार्क कर दिया इसको, ऐसे दिखा सकते हो पहला वाला पार्ट। दूसरे में दो चर वाले ज्यामिति में दिखाना है, तो दो चर वाले मतलब एक्स और वाई वाला है ना सिस्टम। इधर आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 3 है ना, ये तो एक्स के लिए होता है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ऐसे चलता रहता है ना। तो y इक्वल टू कितना है हमारे पास बच्चों, 3 है। कितना है, प्लस के 3 है, तो प्लस के 3 कहाँ होता है, ऊपर होता है y का मान। इधर y का जो समीकरण होता है ना, y इक्वल टू समथिंग है, देखो यहाँ पर एक छोटा सा क्वांटिटी है 1। ठीक है, तो y का जो ग्राफ होता है ना वो x एक्सिस के क्या होता है, समांतर होता है, ये जो x एक्सिस है उसके समांतर होगा। ये y बराबर 3 है, 3 पे जाओ और ये उल्टा का खींच दो, ये y बराबर 3 का है आंसर। ठीक है, तो ये एक चर में था, ये दो चर में है, आराम से हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरे वाले को करना है। तो देखिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं, क्या दिया है देखो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2x+9 = 9, 0। तो यहाँ से 2x माइनस के 9, तो x का मान आ जाएगा, काटोगे तो 4.5 माइनस का। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है वो है एक चर में, जैसे पहले वाले में किया था वैसे ही करना है। ठीक है, ये आपकी लाइन होगी, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा चल रहा है, इधर -1 है ना, ऐसा चल रहा है 4.5 माइनस के। ठीक है, माइनस के 4.5 था, अरे यार गड़बड़ हो गया ना, तो माइनस का इधर और खींचना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और ये लाइन चल रही, क्या चाहिए 4.5, तो ये 4 है, 4.5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ये एक चर में आ गया। दूसरा आंसर निकालना है दो चर में, ठीक है, दो चर में ले, ऐसा वाला ग्राफ आएगा, एक्स वाई वाई डैश, यहाँ 0 होता है ना, एक्स इक्वल टू 1 1 2 3 4 5, ऐसा चलेगा, 1 2 3 4 5, -1 -2
माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फाइव, ऐसे चलता है। तो हमारे पास x की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 4.5 माइनस की, तो ये 4, ये 4.5 बीचों बीच यहाँ आ जाएगा, है ना। अब यहाँ आ जाएगा तो ग्राफ खींच देना है उसके, x इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ होता है ना, उसका ग्राफ y x के समांतर होता है। ये बन गया, इसका मान कितना है, x इक्वल टू माइनस के 4.5, ये उसका ग्राफ है, हो गया। इतनी आसान सी प्रश्नावली 4.4 खत्म। बाकी सभी चैप्टर पहले ही करा रखे, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।